अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देखो सीखो और जानो। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरबाज। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नोटबुक मीन लैपटॉप, द ASUS फेमस कंपनी लैपटॉप। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। लेट विजिट टू द AUS ऑफिशियल साइट एंड सी अबाउट द नोटबुक मीन लैपटॉप। तो दोस्तों, हम आ गए यहाँ पे ASUS की ऑफिशियल साइट पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आराम से साइट विजिट कर सकें। दोस्तों, आपने इस कंपनी का नाम तो सुना होगा बहुत ज़्यादा, एक्चुअली यूज़ भी किए होंगे बहुत से, शायद इसके आपने लैपटॉप या आपके पास होगा इसका कंपनी का लैपटॉप। दोस्तों, एज अ कंपनी के सैमसंग एप्पल वगैरह से नीचे है, HP से भी नीचे है। पर दोस्तों, एज अ जिस तरह मैं MSI की या Corsair की डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू करता हूँ, इस तरह दोस्तों ये कंपनी भी उनके बराबर में आती है। पर दोस्तों, एक फेमस कंपनी है जिसको सब लोग जानते हैं और बेहतरीन इसके प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, आज हम जिस लैपटॉप के बारे में बात करने लगे हैं वो 2-in-1 PC है। अगर बहुत से लोगों ने इस तरह का लैपटॉप नहीं देखा गया, ये एक्चुअली ये डिज़ाइन 2019 में लॉन्च किया गया था। इस सारे लैपटॉप में बहुत कंपनी ने कम बनाया, फिर पर इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा इस लैपटॉप को बनाया। तो चले लैपटॉप के बारे में आज बात कर रहे हैं वो दोस्तों ये है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस साइट का भी, ताकि आप आराम से विजिट कर सकें। दोस्तों, इस 2-in-1 में इसको क्यों कहता हूँ, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तो इसकी ऊपर ये स्क्रीन आ गई, ठीक है, आम जो LED स्क्रीन होती है लैपटॉप की। उसके बाद दोस्तों नीचे भी आपको एक स्क्रीन मिल रही है, जरा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको आराम से इसका पता चल सके। तो चलें दोस्तों देखते हैं इसको। दोस्तों, इसकी बहुत सी डिफरेंट इमेजेस है जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये इसकी स्क्रीन है और नीचे दोस्तों एक्चुअली आप इसमें कर सकते हैं जिस तरह ग्राफिक का काम कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो आप नीचे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या डिफरेंट विंडोज भी इसके अंदर आप रन कर सकते हैं। देखो, उसने ऊपर कुछ और खोला हुआ है, नीचे कुछ और खोला हुआ है। दोस्तों, इस तरह आप डिफरेंट इसमें कर सकते हैं। मुझे तो एक अट्रैक्टिव चीज़ लगी है बहुत कमाल का। इसका डिज़ाइन आप देखिए, एक्चुअली लैपटॉप तो यहाँ तक है, इसके नीचे ये एक्चुअली डिफरेंट पैड है जिसके जरिए आप इसको स्टैंड दे सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं। एज अ ग्राफिक्स वर्क और एज अ गेमिंग वर्क भी बहुत बेहतरीन लैपटॉप साबित हुआ है। चलिए दोस्तों, इस लैपटॉप का जो नाम है ASUS ZenBook Pro Duo। तो दोस्तों, इसके 4K रेजोल्यूशन के साथ है। प्राइस की बाद में बात करेंगे, पहले नीचे साइट का रिव्यू लेते हैं। जब मैं साइट का लिंक दूंगा तब लाजमी अब ये वीडियो प्ले करके देखें, मैं कॉपीराइट की वजह से चला नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले तो स्क्रीन पैड है, इसमें ऐप स्विचर भी लगा हुआ है जिसके जरिए आप स्विच कर सकते हैं। कभी आप ऊपर वाली स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं और कभी नीचे, और दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट LED है। और नीचे बात करें तो इसमें दोस्तों व्यू मैक्स मिल रहा है आपको, पूरा स्क्रीन 15.6 इंचज़ का या 16.7 इंचज़ का आपको व्यू मिल रहा है स्क्रीन का। जो फुल लैपटॉप होते हैं उनका पहले आता था 15.6, अब आ गया 16.2 से 16.7, क्योंकि स्क्रीन बड़ी कर दी गई है। अब दोस्तों नीचे देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एज ऑफिस यूज बहुत कमाल है। अभी आपकी स्पेसिफिकेशन की बात करूंगा, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह इंटेल Core i9 आ गए, तो दोस्तों इसमें दो स्पेसिफिकेशन आपको मिलती हैं, पहले एक Core i7 की, एक Core i9 की। Windows 10 Pro मिल रही है आपको 64 bit के साथ, Windows 10 Pro 64 bit के साथ। Core i9, Core i7 जोन सा आप चूज करेंगे प्राइस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। रैम जो है 16 GB और स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क की वो 1 TB। 1 TB का मतलब होता है 1000 GB और 1000 GB से अबव ही मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो NVIDIA का वो GeForce का RTX का 2060 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इसमें। दोस्तों यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको OLED की मिल रही है हाई डायनेमिक रेंज के साथ, HDR मीन, और इसमें आपको पिक्सल भी बहुत बेहतरीन मिल रहा है ताकि आप एक बेहतरीन रिजल्ट देख सकें। आपको यहाँ पे इमेजेस में तो पता चल रहा है कि कितना हाई रेजोल्यूशन इसमें इन्होंने रिजल्ट प्रोवाइड किया है। साथ अगर कीबोर्ड की बात करें तो दोस्तों इसमें कीबोर्ड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी है, और साथ साथ दोस्तों आपको कीबोर्ड पे टच सिस्टम भी मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह इन्होंने जो मल्टीप्लाई के वो मैथ के जो डिजिट्स हैं वो अलहदा कर दिए, और उनको एज अ टच पैड इन्होंने पूरा सिस्टम दिया। यहाँ पे भी आप ऊपर देख सकते हैं उसके इन्होंने कीज नहीं तैयार की, उसको एज अ टच किया, और बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे बात करें इनकी इनपुट कनेक्टिविटी की, तो सबसे कनेक्टिविटी में वाईफाई 6 आ गया और ब्लूटूथ में 5.0। USB की बात करें तो टाइप सी चल रही है थंडरबोल्ट के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑडियो जैक है इसके साथ, USB जनरेशन 2 का भी मिल रहा है आपको, DC HDMI केबल और USB की। अब दोस्तों बेहतरीन इतनी ज़्यादा केबल पहले होती थी पुराने लैपटॉप्स में कि वो VGA की केबल लगा रहे हैं, उसकी वजह से लैपटॉप का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, पर यही दोस्तों आजकल चलते हैं। साथ अलेक्सा बिल्ट इन है, यानी कि आप अपने लैपटॉप को भी ये उसके साथ अलेक्सा के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट के कर सकते हैं, ताकि आप अपने घर को भी कंट्रोल करें। और बहुत सी जो चीज़ें जिस तरह आप कर सकें अलेक्सा टर्न ऑन द लैपटॉप, अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, इस तरह आप इसके जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। अलेक्सा बिल्ट इन वर्जन है। अब नीचे दोस्तों फोटोग्राफर्स के लिए बहुत कमाल है, क्योंकि फोटोग्राफर ऐसा यूज़ करते हैं तो बहुत सारे इस तरह के लैपटॉप यूज़ करते हैं जिनको ग्राफिक का काम आया, उनको साथ इसमें पेन भी चाहिए होता है। तो इसमें जो इनका ये नीचे वाला स्क्रीन और ये पैड है दोस्तों, एज अ ये यूज़ ही इसलिए हो रहा है कि मेन चीज़ ही ग्राफिक की वजह से। उन्होंने नीचे कोरल ड्रा
वीडियो शूट का भी इन्होंने रेफरेंस दिया है कि आप इसमें एज अ वो भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। म्यूजिक रेफरेंस से मैं आपको जैसे बता रहा था कि आप म्यूजिक ऊपर चला के नीचे कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ पे पूरा अपना सिस्टम बना सकते हैं, डीजे बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको 3D रेजोल्यूशन में एनिमेशन के साथ मिल रहा है। मुझे तो लैपटॉप बहुत ही पसंद है, एक न्यू इनोवेशन है, तो पुरानी चीज़ हो गई 1.5-2 साल पर, लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि लोगों ने इसको सर्च इतना ज़्यादा नहीं किया। अब नीचे स्पेसिफिकेशन वही आ रही जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ सारी, Core i9 Core i7 में 6 GB का आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, रैम आपको 16 से 32 में मिल रही है, 1 TB की आपको प्राइस मिल रही है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसमें प्राइस फ़र्क हो जाती है, जो Core i7 है उसमें आपको 16 GB मिल रही है, Core i9 में आपको 32 GB मिल रही है, पर आपको जो स्पेस है वो एक ही मिल रही है। दोस्तों ख्याल रखें क्योंकि आगे पीछे थोड़ा प्राइस का हो जाता है। ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई आपको 6 मिल रहा है, वेट आपको उसमें 6.4 LBS का मतलब होता है, यानी कि ये कम कर लें कि आधा हो जाएगा इसमें kg में, यानी कि इसका 2.5 kg का वजन है दोस्तों। एक बिल्कुल लाइट वेट लैपटॉप है जिसको आप कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हैं। अब बाय नाउ की बात कर लें, यानी कि परचेज की प्राइस की, दोस्तों इसकी जो पाकिस्तान में प्राइस बाद में आती है, पहले तो US डॉलर में या डॉलर्स में प्राइस की बात करें तो वो आती है दोस्तों $3,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं $3,000। जब दोस्तों अभी मैं अपने दूसरे लैपटॉप से विजिट कर रहा था साइट को, तो उसमें दोस्तों जब मैंने वो साइट खोली तो उसमें ज़्यादा बेहतर मैं आता हूँ, पर वीडियोज़ के लिए मैं ये चूज़ करता हूँ, तो उसमें दोस्तों मुझे ऑप्शन आ रही थी माइक्रोसॉफ्ट के जरिए बाय नाउ करने की, कि पाकिस्तान से आपने बाय नाउ करना है या एज अ US से। तो मैंने एज अ US चूज़ किया, उसमें मुझे $3,000 आया। जब पाकिस्तान से चूज़ किया तो उसमें दोस्तों आपको वही 4-5 लाख रुपए बन जाते हैं, तो वो पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट अवेलेबल है तो आपको इतने ज़्यादा नहीं बनते कि आपको 7-8 लाख रुपए देने करें, आप 5-6 लाख रुपए में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।